हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऐसी मेडिसिन के ऊपर बात कर रहे हैं जो बिहाइंड दी डोर है। जो बिहाइंड दी डोर है ऐसी मेडिसिन है जो आपको जाननी ज़रूरी है, डे लाइफ में भी आपको काफ़ी बेनिफिट देगी। ये रिलीफ कराएगी आपके हेडेक को, माइल्ड टू मॉडरेट से सीवियर तक आपकी माइग्रेन्स को काफ़ी हद तक कम कर देगी। जो है हेडेक काफ़ी डे लाइफ में होते ही रहता है बाकी लोगों को। इवन हेडेक से सीवियर फॉर्म में होके वो माइग्रेन फॉर्म में आपके कन्वर्ट भी हो जाता है। इवन बाकी लोगों को जिनको माइग्रेन है, उन्हें अभी तक पता नहीं है कि उन्हें माइग्रेन है। सो माइग्रेन जो है हाफ ऑफ द पोर्शन में होता है, आइदर लेफ्ट में होगा आइदर राइट में होगा। तो ये मेडिसिन काफ़ी अच्छी है और इसकी एक और बेनिफिट है जो इम्प्रूव कराएगी आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को। रेडी रहे इसके पीछे जो आपकी मेडिसिन है उसको जानने के लिए। पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। हम देखते हैं इसके बिहाइंड द डोर कौन सी मेडिसिन है। देयर इज इत्री फल उदुकुदस। आप नाम से पता लग रहा है कि यूनानी मेडिसिन है। तो यूनानी मेडिसिन है, जी हाँ, ये यूनानी मेडिसिन के बारे में आज हम बात करेंगे। नेक्स्ट इज इत्री फल उदुकुदस इज ए यूनानी मेडिसिन दैट हैज़ पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स इन हेडेक एंड यूजफुल इन माइग्रेन। मेनली इस फॉर्मुलेशन में से कंपोजिशन में सबसे ज़्यादा मेन इंग्रेडिएंट त्रिफला भी है ना। त्रिफला ये है, आपको पता ही है, आयुर्वेदिक मेडिसिन में त्रिफला सबसे मोस्ट कॉमनेस्ट मेडिसिन है जो काफ़ी अच्छा वर्क करती है। एंड उदुकुदस ये यूनानी मेडिसिन है। आयुर्वेदा मेडिसिन त्रिफला और उदुकुदस मेडिसिन यूनानी, दोनों मिलकर काफ़ी अच्छा वर्क करेंगी इस मेडिसिन को इफ़ेक्टिव बनाने के तौर पर, जो आपके सीवियर टू माइल्ड मॉडरेट आपके हेडेक को और आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव कराएगी। ये जो है ये काफ़ी बेनिफिशियल इफेक्ट करती है ऑन ए ब्रेन नर्व्स। ये उदुकुदस जो है ये बेनिफिशियल इफेक्ट करेगी आपके ब्रेन एंड नर्व्स में। एंड त्रिफला क्या एक्ट करेगी, डिटॉक्सीफायर है, हेल्पिंग डाइजेस्टिव एलिमेंट्स। ड्यू टू ए त्रिफला इट इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर ए कॉन्स्टिपेशन एज वेल। नेक्स्ट अब इंडिकेशंस देखते हैं कि हमदर्द इत्री फुल उदुकुदस ये कहाँ कहाँ हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं। फर्स्ट जो है वो हेडेक और माइग्रेन है, मतलब दोनों में दे सकते हैं उदुकुदस को। कैसे देना है ये जो इसका इस मेडिसिन को लेके, आलमंड ऑयल को, इंक्रीज दी स्ट्रेंथ ऑफ दी ब्रेन एंड एक्ट एज ए ब्रेन टॉनिक। अगर इसे आलमंड ऑयल के साथ यूज़ करेगी तो ये काफ़ी ब्रेन टॉनिक वर्क करेगा। जनरली हेडेक अकर्स ड्यू टू ओवर एक्टिविटीज़ ऑफ ब्रेन स्ट्रक्चर्स विच आर पेन सेंसिटिव। फ्रेंड्स नेक्स्ट इसी का पार्ट जो है लेवेंडुला स्टोइकस एंड इसे उदुकुस भी कहते हैं, ऑल्सो रिड्यूस द इरीटेशन ऑफ ट्राइजिमिनल नर्व। विच इज़ ऑल्सो कॉज फॉर माइग्रेन। माइग्रेन के लिए कॉज रहता है आपका ट्राइजिमिनल नर्व। जो उदुकुदस मतलब लेवेंडुला स्टोइकस है वो काफ़ी अच्छा इफेक्ट करेगी आपके माइग्रेन के लिए, हेडेक के लिए और ट्राइजिमिनल न्यूरोलेजिया के लिए भी। देन सेकेंड जो है आपकी एसिडिटी एंड इंडाइजेशन में काफ़ी अच्छा वर्क करेगी। द सेकेंड कॉज ऑफ हेडेक इज इलनेस ऑफ इल हेल्थ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूडिंग स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स। रोजा डेमेंसिना फ्लावर इसमें इंग्रेडिएंट के तौर पे है ये आमला एंड रेसिन मतलब किशमिश बोली जाती है उसको। ये रिड्यूस कराएगी आपकी एसिडिटी को एंड प्रोवाइड कराएगी रिलीफ फ्रॉम दी हेडेक एंड एसोशिएटेड विथ हाइपर एसिडिटी और ए सम गैस्ट्रिक डिजीज ऑल्सो। एंड उदुकुदस एंड आमला मतलब बादाम का ऑयल, हनी एंड त्रिफला ये तीनों रिड्यूस कराएगी आपके गैस फॉर्मेशन को इन इस एब्डोमेन रीजन्स। दीज हर्ब्स हेल्प इन रिड्यूसिंग एब्डोमिनल डिस्टेंशंस एंड इंटेस्टाइनल गैस एंड क्रैम्प्स। को पता चल रहा है ये काफ़ी मल्टीपल चीज़ों में वर्क कर रही है। फ्रेंड्स अभी लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके ले सकते हैं। देन ये जो थर्ड है ये कॉन्स्टिपेशन एंड एब्डोमिनल फ्लैटुलेंस गैस इसमें भी काफ़ी अच्छा वर्क करेगी। त्रिफला ऑल्सो ट्रीट दी कॉन्स्टिपेशन एज ऑल यू नो विच इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंट अ कॉज ऑफ हेडेक। देन ड्यू टू ऑल दीज फंक्शंस
इत्री फल एंड उदु कुदस बिकम ए गुड रेमेडी फॉर द हेडेक। अब क्रोनिक कैटरे भी होता है तो उदु कुदस हैज़ कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटी वायरल, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ हैं। इसमें 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो रिड्यूस कराएगी आपके सिम्टम्स को, क्रोनिक कैटरे को। देन एक और इस स्लाइड में आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इवन ये प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स एंड हेयर फॉल्स ऑल्सो। उदुकुदस कंटेन्स ऐसे हर्ब्स जो नेचुरली ट्रीट करते हैं आपके न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को। जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हमारे बॉडी में डेफिशिएंसी अमाउंट कम हो जाती है, उसके लिए काफ़ी अच्छा है। तो रिड्यूस द क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, ओके, रिड्यूस द क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, therefore it is effective for a premature whitening of hair। and इसकी एक और प्रॉपर्टी अच्छी है, लेग्जिटिव। ये माइल्ड लेग्जिटिव है, एक्शन करता है इत्रीफल, इज़ ड्यू टू त्रिफला एंड 3 टाइप्स ऑफ हरितकी है इसमें। ये हमने काफ़ी सुनी होगी हरितकी के बारे में, पर इसमें 3 टाइप्स ऑफ हरितकी भी एडिड है इस फॉर्मुलेशन में जो यूज़ करी जाएगी इस मेडिसिन में। सो फ्रेंड्स, इन्ग्रीडियंट्स देख लेते हैं। 3 टाइप की हरित की दिख रही है, टेलमिना शेबुला, इसमें आपके यूनानी के टर्म में हेलेला हद्र, हेलेला कुबुली एंड हद्रेला सीआई, ऐसे करके 3 है। एंड देन टर्मिना बेलरिका विविध की, अम्बलिकल ऑफिसनैलिस अमल की, इंडियन गूसबेरी आमला, लेवेंडुला स्टोइकस, उदुकुदस को ही इसका जो नेम है इंग्लिश नेम। एंड रोजा डेमेंकसा इज ए फ्लावर है एक टाइप का, पॉलीपोडियम ग्लूरी, बिस्टिकी लेंटस एंड कुस्कुटा रिफ्लेक्सा, देन किशमिश, बादाम, रोगन, आमंड ऑयल एंड हनी। ये काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो इस मेडिसिन में आपको मिलेंगी। सो फ्रेंड्स, आप इसकी डोजेज देख लिए, आपको कैसे लेना है, किसके लिए कितना डोज है। ये डोज जो है 5 से 10 ग्राम, मतलब 1 से 2 टीस्पून लेना है डे में। एट द नाइट टाइम में या बेड टाइम में जाने से पहले ले लें, प्रिफर करें मिल के साथ लेने के लिए। चाइल्ड के लिए, चिल्ड्रंस के लिए जो है वो 1/2 to 1 टेबल स्पून है, टीस्पून है। एंड जो अडल्ट के लिए 1 से 2 टेबल स्पून है। देन हर मेडिसिन का अलग अलग प्रिकॉशंस काफ़ी ध्यान में रखना चाहिए, सो आप एक बार इसे मिस ना करें, पूरा देखें। मेनली जो मेडिसिन है इत्रीफल उदुकुदस काफ़ी लाइटली सेफ है बाकी पीपल्स के लिए, बट इट डज़ नॉट कंटेन एनी हार्मफुल इंग्रीडियंट्स एज यू शोन दैट प्रीवियस पीपीटी। सो हाउ एवर, सम पीपल मे हैव ए साइड इफेक्ट ऑल्सो। तो क्या होता है, लूज स्टूल्स हो सकते हैं अगर हैवी डोज ले लिया, कंज्यूम कर लिया तब। एंड प्रेगनेंसी में इट इज़ नॉट सेफ इन प्रेगनेंसी, प्लीज़ नोटेड दैट। एंड टर्मिना चैबुला, इसका जो एक हरितकी का फॉर्म है, ये कंटेन करता है, ये सूटेबल नहीं है प्रेगनेंसी लेडीज़ के लिए। इवन लैक्टेशन जो है, लैक्टेशन के लिए है, जो लैक्टेशन प्रोवाइड करती है, इसे पॉसिबली सेफली ड्यूरिंग लैक्टेशन इज सेफ है, ओनली प्रेगनेंसी के टाइम में सेफ नहीं है ये। इफ़ टेकन अंडर द सुपरवाइजन, यूनानी या आयुर्वेदिक विजन से कंसर्न करके ही लें अगर लैक्टेशन हुए ने। एंड चिल्ड्रन में देखा गया है ये पॉसिबली सेफ है चिल्ड्रन के लिए, देर इज़ अ नो adverse effects reported in children while it using, okay? So thanks for watching and please subscribe and like and share also. Thank you.